दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के हिंदी गजल संग्रह आजाद कलम का विमोचन हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी द्वारा किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने लेखिका ज्योति आजाद खत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि आजाद कलम गजल से प्रेमियों को एक नई प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे व सरल शब्दों का प्रयोग लेखिका ने किया है। इस मौके पर मॉडर्न इंजीनियरिंग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के CMD असलम के सैफी, फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, डॉक्टर अशोक झिंगान, ताहिर फैजी, सागर सियालकोटी, राम नारायण दुबे, महेंद्र खत्री आदि गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। श्रीमती ज्योति आजाद खत्री, डायबिटीज रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जिंदल, ग्वालियर से आए श्री राम नारायण दुबे, श्री सागर सियालकोटी, ये नाम तो मैंने वो पढ़े हैं जो मेरे सामने लिख कर के आए हैं, लेकिन इस अवसर पर जो उपस्थित हैं, और चूंकि आप हरियाणा भवन में उपस्थित हैं और हरियाणा का राज्य का स्टेट का गवर्नर होने के नाते मेरे लिए आप सभी स्वागत योग्य हैं। किसी कार्यक्रम की सफलता जब आंकते हैं हम, तो मोटे तौर पर दो तीन चीजें देखते हैं। पहले तो स्वागत करने वाले लोग कितने हैं, दूसरे फोटो खींचने वाले कितने हैं, और तीसरे कार्यक्रम में अनुशासनबद्ध ढंग से बैठने वाले कितने हैं। ये कार्यक्रम तीनों दृष्टि से मुझे सफल दिखता है। ज्योति आजाद खत्री ने ये जो गजलों का संग्रह पुस्तक में किया है और इसका जो नाम रखा है, उससे मैं ज्यादा प्रभावित हूँ। व्यक्ति खुद आजाद होने की कोशिश करता है, यहाँ तो कलम ही आजाद है। वैसे लोकतंत्र है, इसमें कलम तो आजाद होती है, हरेक को बोलने की, लुकने लिखने की, एक्सप्रेशन करने की, व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता उल्टे सीधे काम करने के लिए ज्यादा है। लिखने वाले बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन इस पुस्तक के द्वारा वैसा नहीं हुआ है। ये आजादी अच्छे काम के लिए है। गजलों का संग्रह भी हम सबको बहुत प्रेरणा देगा। एक दूसरी बात मुझे और कहनी है कि किसी भी आदमी को संचालित करने के लिए कई चीजें जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहले तो उसके शरीर और इंद्रियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप इंद्रियों के वशीभूत होते हैं, और इंद्रियां एक नहीं है, एक से ही परेशान होते हैं। 10-10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर आपके पास बुद्धि भी है, और तीसरी चीज वो है, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो ईश्वर का अंश है, जिसको आप आत्मा कहते हैं। वो जब चली जाती है तब आप मुर्दा हो जाते हैं। लेकिन सबसे अलावा एक और चीज है जो बहुत ही स्ट्रांग है, और वो है मन। ये आदमी का मन बहुत चंचल होता है, इसको स्थायी करना बड़ा मुश्किल है। आप सब लोग भी यहाँ शरीर की दृष्टि से सब यहीं बैठे हो, हरियाणा के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हो, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि आपका मन भी यहीं होगा। हो सकता है मन आपका और कहीं हो, और ये इतना गड़बड़ और चंचल होता है कि हवाई जहाज और लाइट की स्पीड से ज्यादा चलता है, कहीं भी पहुंच जाता है। और इसलिए मन को नियंत्रण में लाना ये सबसे बड़ी कसौटी है। आज मेरा सोच ऐसा है कि मन को अगर आपको अनुशासन सिखाना है, नियंत्रण में लाना है, तो फिर आप पुस्तकों की तरफ जाइए, आप अच्छी रचनाओं की तरफ जाइए, आप कविताओं की तरफ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति आयत खत्री है, मैं ग्वालियर से हूँ। आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे अपनी एक गजल के ऊपर बुक रिलीज करनी चाहिए? मैं एक्चुअल में राइटिंग बहुत टाइम से कर रही हूँ, और इतना टाइम हो चुका है कि मुझे अब लगता है, मेरे फ्रेंड्स मुझसे बोलते थे कि अब मैम आपकी बुक आनी चाहिए। मेरे एवरी फ्रेंड्स, मेरे फैन फॉलोअर्स सब बोलते थे कि मैम आपकी अभी तक कोई बुक लॉन्च नहीं हुई है, तो हम पढ़ना चाहते, तो इसलिए मैंने ये बुक किया। तो इस बुक में किस टाइप की गज़ल हमें पढ़ने को मिलेंगी, एक बार आप अपने दर्शकों को बताएंगे? जी, इसमें हर तरह की आपको राइटिंग मिलेगी। इसमें आपको समाज के ऊपर, प्यार के ऊपर, देश के ऊपर, हर तरह का आपको मिक्सचर मिलेगा। आपको इस बुक को लॉन्च करने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? ऑब्वियसली माय हस्बैंड, और उन्हीं की वजह से ये आज मेरे हाथ में ये किताब है, आज़ाद कलम मेरे हाथ में है, मैं उन्हीं को पूरा क्रेडिट देती हूँ। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने दर्शकों को आज, जैसे फर्स्ट बुक रिलीज होने जा रही है? सबसे पहले मैं, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि जो महेंद्र खत्री हैं,